नहीं दे रहे हैं, चुप रहो। गर्मी हो रहा है, देखो गाइस कैसे इसके आंसू निकल रहा है। चलो छोड़ दो, आज आज दिला खेले मत रहो, बना दिया खाना। चलो यार अब ज़्यादा कुछ क्या ही बोले, बस ये है कि अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा, मतलब अचानक ही हो गया, दो दिन के अंदर ये हो गया एकदम से, इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बांध के रखो उसको खास करके। मत अब रोना मत उधर जाके, तो ये होगा। ठीक है गाइस, बाय। हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार, किंचो आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राज। आम अच्छा नहीं आया होगा अभी तो। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं मार्केट में, आज काफ़ी दिन बाद वापस अपने अम्बाला वाले मार्केट में घर पे। तो पहले अभी तो घर में सारा कुछ ख़त्म हो चुका था, तो सोचा हमने कि सब कुछ फ्रेश ले आते हैं, तो इसलिए मनीषा आई है फ्रूट्स के शॉप पे, और अभी मैंने वेजिटेबल्स वगैरह कुछ हमने परचेस कर लिए, चलते कुछ फल वगैरह लेंगे उसके बाद से घर निकलेंगे। बने रहिएगा आप लोग। क्या क्या लेने वाली हो आज? देखो लेगी कम गिराएगी ज़्यादा, सजाएगा तो तुम गिरा दोगी। ये पता नहीं ये कौन सा मेलन है, ये मिल्क पता नहीं कौन सा मेलन है, ये वाटरमेलन की तरह ही होता है। ये क्या है अंकल? ये वाटरमेलन है। वाटरमेलन अंदर से वैसे ही रहता है, वो पीला। अंदर से पीला है? नहीं, अंदर से लाल है, वो पीला है। ये बड़ा ट्राई करेगी? ले लो भाई, जो जो पसंद है आप मनीषा लेगी। लीची नहीं है ये, कुछ और है। पीछे वाला देखो ना क्या है। अब देखिए आज पूरा मार्केट छानबीन की हुई है मनीषा, अब जा रही है इस शॉप में सारा राशन का सामान लेने। तो दोस्तों ये घर अभी नया नया बन रहा था, हमने जब ज़मीन लिया था तो ये भी बन के बिल्कुल कंप्लीट हो गया, उधर एक और घर बन के कम्प्लीट हो गया। अभी मैंने गाड़ी वहाँ लगाई हुई है क्योंकि बिजली के कनेक्शन वगैरह को पता कराने के लिए थोड़ा सा प्लॉट का चक्कर लगाते रहना चाहिए। बाकी घर बनवाना एक बहुत नेक्स्ट टू टफ काम है, तो अभी जब तो लिया है तो शुरुआत थोड़ा सा करते हैं। करते क्या मतलब, अभी मैं सोच रहा हूँ बरसात है तो मिट्टी वगैरह का डलवा करके काम करवा देते ताकि मिट्टी अच्छे से बैठ जाता है नींव वगैरह का। तो बाकी अब चलो दिखाते हैं, ये देखो सब बन गया है। तो गाइज अभी जस्ट बहुत सारा काम किया, फिर घर पे गया, नहाया धोया, ब्लॉग बनाने का पता नहीं बिल्कुल मन सा ही नहीं हो रहा था। अभी कोचिंग से पढ़ा करके आ रहा हूँ, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गाइज सर आप पढ़ाते कब हो, आप इतने टूर पे रहते हो या जो भी है, या फिर मनीषा को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं कोचिंग का बेसिकली डायरेक्टर हूँ, तो मेरा काम होता है कोचिंग को मैनेज करना, और वो भी मैनेज अगर मेरे स्टाफ्स मेरी टीम मेरी अच्छी है तो मुझे उतना ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा अभी 10th और 12th के बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो जो 10th और 12th के बच्चे हमारे पास आउट हो गए उनका फेयरवेल आपने देखा ही था, फेयरवेल हो गया। अब जो बच्चे जूनियर क्लासेस में हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत कम है, काइंड ऑफ अभी लगभग 30-35 ये स्ट्रेंथ है। तो टीचर्स हैं, आराम से मैनेज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो इशू था फोन पे रिसॉल्व कर लेता हूँ। हाँ अब कोई अगर नहीं है इनके सब, जैसे कि अभी पंकज सर नहीं है, जैसे जीजू नहीं, तो उनके क्लासेस को मैं अभी मैनेज कर लेता हूँ। तो ये होता है मैनेजिंग, कैसे हम लोग कर लेते हैं सारा काम, तो उसमें मेरा बहुत कुछ हेडेक नहीं है। अगर जहाँ जरूरत पड़ती है बच्चे बोलते हैं स्पेशली कि सर आपसे ही पढ़ना है, तो उनको ऑनलाइन क्लासेस में अपने पेन वाले फ़ोन से करा देता हूँ, बाकी और कोई इशू है नहीं, कंसर्न है नहीं। बहुत सारा काम है अभी, मुझे बहुत सारा चीज़ करना है। पिछले 3 दिन में आप बिलीव नहीं करोगे, मुश्किल से मैंने 10 मिनट का भी शूट नहीं किया। अभी जो बातचीत करते करते घर आते जाते ये सब कुछ हो रहा है, फिर प्लॉट पे भी अभी काम वाम के चक्कर में मैं लगा हूँ थोड़ा सा, तो बस बने रही। अभी चलते हैं घर में, मनीषा ने तो खाना बहुत अच्छा बनाया हुआ था, अब घर चल के देखते हैं क्या नज़ारा है। फोटो अपने बनाओ। तो दोस्तों ये लड़की अभी मेरे से नाराज़ हो गई थी, हमसे खाली खाना खाना पूछ रही है। हम बोले कि यार तुम जो बनाना है तुम बना के खिला दो, हम खा लेंगे। फोन करके नहीं सबसे बोलते थे कि ये खाना नहीं बनाती है, ये वो बहुत कुछ बोलते थे, बहुत बहुत शिकायत करते थे बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम बोलते। सबसे में कौन कौन था? सबसे मेरे मेरी मम्मी से, मेरे भैया से, मम्मी जी से, पापा जी से,
तो तुमको बोलना ही पड़ेगा ना अपना बचाव करने के लिए। अपना बचाव लेना, इसलिए पूछ रहे हैं जो खाएंगे वही बनाएंगे। अरे भाई तुम 50,000 पूछती हो, तुम सब्जी जो लाई हो वही ना बनाओगी। अब हम तुमको बोल देंगे कि चाउमीन बना के खिलाओ। चाउमीन बना के खिलाओ नहीं, वही तो पूछ रहे हैं ये चीज लाए हैं इसमें क्या क्या लाई है बताओ। अब तो हम नहीं बनाएंगे ना खिलाएंगे। नहीं बनाएगी ना खिलाएगी। अपने कपड़ा धोए हैं, मेरे को नींद आ रहा है। कपड़ा धोए हैं, घूमने से हमारा तबीयत खराब हो गया। चलो तुम पहले ये तो बताओ क्या क्या बनाई है। तो गाइस अभी हमारी हो गई लड़ाई तगड़ी वाली, और ये लड़की अभी मेरे से बता भी नहीं रही है। बताओ हाथ पे मारे, कौन मारा? हाई पापा हमको मारे। अच्छा आओ मिलो गाइस, आओ मिलो खेल रहे से। अच्छा ये चमड़ा उधर गया मारने से, देखो गाइस इसके हाथ में ये वाला चमड़ा जो निकला ना मेरे मारने से निकला है। चमड़ा भी नहीं था, चमड़ा भी सोच रहा होगा कितना भी झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। बताओ उठ मुर्गी है, घर के मुर्गी दाल बराबर। चाय बैठाइए, इतनी बदमाश लड़की है गाइस, चाय बैठा के पक्का नहीं बैठी, झूठ बोल रही है, नहीं तो अभी तक दौड़ के जाती। इसका पजामा लग रहा है प्लाजो, कैसा दूने प्लाजो ऐसे ही है, सब जिस पहनता है जिसको समझ में आता है। गुड मॉर्निंग, सुबह के लगभग पता नहीं कितने बज रहे हैं, सुबह उठते उठते मम्मी का कॉल आया और मैंने सोचा तो चलो रेडी हो गई है, लेकिन फिर पता लगा कि जेरी अब नहीं रहा, तब से उठने का मन ही नहीं कर रहा। अंदर से इतने प्यार से लाया था मैं उसको खरीद, मतलब जो भी है मैं उसको इतने प्यार से लेकर के आया। मम्मी मेरे से मतलब 3-4 साल पहले से बोल रही हैं कि तुम्हारा दोस्त वो डॉगी कब देगा, तुम्हारा दोस्त वो डॉगी कब देगा। मतलब एक डॉग, मतलब मेरा दोस्त था, मैं बोला कि मम्मी वो देने वाला है डॉगी, तो फिर लास्टली मैं ले आया। मम्मी पहले भी एक उसको रखी हुई थी डॉग को, तो उसका नाम पप्पी था, वो उसको भी मम्मी बहुत प्यार से मतलब पाली वगैरह थी, काफ़ी दिन तक हमारे घर में वो रही। उसके बाद से फिर ये, उसके बाद एक और डॉग था हमारे पास, फिर एक और, फिर ये, तो मतलब डॉग्स हमारे घर में बहुत दिन से रहते थे। और अभी मैं ले जाकर मम्मी को दिया कि तो मम्मी बहुत खुश हो गई। सबसे ज़्यादा मेरे घर में मेरी छोटी बहन जो पूजा है उसको बहुत पसंद है डॉग्स वगैरह, वो स्ट्रीट डॉग्स को ला करके अपने घर में रख के खिलाती उलाती थी। मैं सोचा कि चलो उसका बेटा भी है, वो लोग भी हैं, तो मैं जब जेरी को यहाँ लाया था तो मेरे पास स्टाफ भी था और साथ में मतलब कोई साथ में होता था, मेंबर होता था, चाहे ओम होता था, चाहे जीजू होते थे, चाहे निशा होते थे कोई भी, या फिर मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे यहाँ, तो हर घर में 1-2 डॉग्स होते हैं, तो मेरे को यहाँ दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर मैं घर गया तो मैं सोचा कि एक बार घर उसको ले जाता हूँ, फिर वहाँ पे वो लोग रख लिया कि नहीं ये नहीं जाएगा वापस। तो वहाँ पे अब जब मैंने उसको छोड़ दिया तो हुआ कि एक्चुअली कि एक शादी में मम्मी और बाबू गए हुए थे अभी थोड़े दिन पहले, वहीं सिवान में था, तो तब तक वो क्या हुआ, वो जेरी बाहर जा कर के, मतलब मम्मी जैसे उन लोगों ने बताया, बाहर जाके एक मरा हुआ कुत्ता था कोई, उसको मतलब खा लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो उसके पेट में, उसके पूरे बॉडी में फंगस फैल गया और वो खून की उल्टियाँ, खून की पॉटी करने लग गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मतलब अंदर से उसको मतलब फंगस खा रहे थे, और वो बेचारा कितना दर्द में होगा, बोल भी नहीं पा रहा था। हमने डॉक्टर को भी दिखाया वहाँ पे, लेकिन ठीक नहीं हुआ, और अंदर से भी मैं बोल भी रहा हूँ तो कितना घबराहट हो रहा है, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है कि यार पता नहीं क्या ही मतलब बोलूँ मैं, बड़ा अजीब सा मन हो गया। और उसमें भी आप लोग मतलब 1-2 लोग कमेंट कर दे रहे हैं कि सचिन तुमने मारा भी उसको, वीडियो के व्यूज़ के लिए तुमने उसको लिया ख़रीदा था, और तुमसे नहीं पाला गया तो तुम घर पे ले जाके छोड़ दिए। तो पहली बात मैं बता दूं कि मैं या मेरे घर वाले अलग नहीं हैं, मेरे पास हो या मेरे घर वालों के पास हो एक ही बात है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने उसको घर वालों के लिए ही बेसिकली लिया था क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि मैं उसको लेके आने के लिए मैं भी बोल रहा था क्योंकि वो इतना प्यारा सा, इतना क्यूट सा डॉग, मतलब डॉग था, बहुत उसको मतलब सब लोग चाहते थे कि यार हमारे पास रह जाए। हमारे पास कोई आता भी था तो, क्योंकि बहुत छोटे से था, एकदम गोद में एकदम इतना सा था, तब उसको लेके आया था, आपने देखा होगा ब्लॉग्स में। लेकिन अब मेरे को इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ एक और लूँ, लेकिन फिर सोच रहा हूँ, अब डर ही लग रहा है। फिर
अब घर पे भी सब लोग कह रहे हैं कि नहीं अब नहीं रखेंगे हम लोग, क्योंकि एक अलग अटैचमेंट हो जाती है और उसमें भी लोग कमेंट कर दे रहे हो, तो लोगों को मैं क्या ही समझाऊँ कि अगर मेरी जगह वो रहते तो शायद उनको समझ में आता। और रही बात व्यूज़ वगैरह की या फिर इन सारी चीज़ों की, तो ऐसे चीज़ों से व्यूज़ की एक्सपेक्टेशन कोई नहीं करता है। हाँ, अच्छा लगता है एक फैमिली मेम्बर साथ में रहता है, एक शोर शराबा घर में होते रहता है कुछ इस टाइप का, क्योंकि हम लोग भी प्लानिंग अभी किए नहीं है जो भी ऐसा कुछ, तो हम लोग सोचा कि चलो एक कुछ नहीं तो एक डॉग भी रहेगा तो अपना घर में एक शोर शराबा मस्त रहेगा, आदमी उसमें घुल मिल करके रहेगा, मनीषा भी बोर नहीं होती या घर पे मम्मी भी बोर नहीं होंगी, अकेले रहेंगी या फिर बाबू भी जो भी है। और पूजा चली गई तो उसके बाद से फिर अब उसको कोई मतलब टेक केयर प्रॉपरली हुआ था, लेकिन अब वही है कि वो उसको खुला छोड़ दिया हमने। बहुत सारे लोग कमेंट करते उसको आप बांध के रखते हो, उसको हमने खुला छोड़ा इसी की वजह से वो बाहर जा करके वो गंदा खा गया, नहीं तो अगर वो बंधा होता ठीक ठाक रहता तो अच्छा खासा अपना मस्त भी आज रहता। तो अब उठते उठते इतना भयंकर मतलब मिला है कि मैं क्या ही बोलूँ। हम लोग आज बहुत सारा प्लान था, हमें कहीं जाना था, मनीषा के क्लासेस को लेकर के कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। मैं बताना चाहूँगा कि मनीषा की अटेंडेंस जो है वो शॉर्ट है, और अगर वो अभी भी मेकअप करने की कोशिश करे तो मेकअप होगा नहीं, क्योंकि उनके जो पैरामीटर्स वो बहुत हाई है। इसीलिए मनीषा अब मतलब और वैसे भी इवेंट्स वगैरह भी चलते हैं जब मनीषा के, तब वो बाहर जाती है, जैसे कि अब स्क्वैश का इवेंट हो गया, बैडमिंटन इवेंट हो गया, इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप हो गया, तो उन सारी चीज़ों में मनीषा इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, मनीषा पार्टिसिपेट नहीं कर सकती और ना ही करती है कुछ कुछ चीज़ों में, तो जिसकी वजह से इस गर्मी में धूप में तपने से अच्छा है कि वो अपना रेस्ट करती है या फिर हमारे साथ कहीं हम लोग इधर उधर जाते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं और थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। तो चलो ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इनफैक्ट मोर इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम कि फिर रियलाइज होता है कि यार पेपर ही देने नहीं देंगे। हाँ, गलती यहाँ पे हुई है कि अटेंडेंस बहुत शॉर्ट हुई है ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजंस, लेकिन अब क्या होता है ना कि जब व्हेन यू आर मैरिड यू हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ साइड्स। अटेंडेंस शॉर्ट आज नहीं हुई है, अभी हम लोग खुल करके घूमना स्टार्ट किए हैं, उसके पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग घर गए, इसके घर में शादी थी, उसके पहले हम लोग एक बार और गए हुए थे घर पे, तो घर पे भी जाके मैनेज करना होता है चीज़ों को, यहाँ भी मैनेज करना होता है, ससुराल में भी मैनेज करना होता है, और मतलब एक मैरिड वुमेन के लिए थोड़ा टफ होता है सब जगह मैनेज करने के लिए। तो मैंने बोला तुम टेंशन मत लो, तुम रिलैक्सड रहो, पढ़ाने डिग्री के लिए तुम्हें कोई नहीं पढ़ा रहा है, तुम्हें सिर्फ नॉलेज के लिए कोई पढ़ा रहा है कि हाँ सोशल नॉलेज के लिए पढ़ाया जा रहा है कि तुम डिग्री कोई भी लो। अब तुम लोग कहेंगे कि आप फिजियोथेरेपी क्यों पढ़ा रहे हो, कोई और नॉर्मल डिग्री करा देते, तो भाई डिग्री कोई भी हो, नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ नहीं होती है, बस पढ़ने से मतलब होता है। एक जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, नॉट जस्ट एजुकेशन बट उसके अपार्ट में हम लोग सोशल एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, समाज में कैसे रहना है, किससे कैसे बात करना है, अगेन एंड अगेन हम से, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने मनीषा को मैं फोर्स नहीं करता हूँ कि यार तुम ज़्यादा वो करो, अपना मस्त रिलैक्स रहो, कूल रहो, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर से होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि वो हॉस्टल ही चली जाए ताकि वो अपना थ्रू आउट रेगुलरिटीज अच्छे से पढ़ सके, बाकी जहाँ जाने आने का है। अब एक्चुअली क्या होता है, जहाँ मुझे अकेले जाना होता है मैं उसको अकेले छोड़ के नहीं जा पाता हूँ, यहाँ कोई अभी जैसे कोई है भी नहीं, अब उसको अकेले छोड़ने का मतलब यहाँ से वो कॉलेज जा नहीं पाएगी, अकेले घुटन होता है, डर लगता है उसको, तो इसकी वजह से उसको मेरे साथ जाना पड़ता है, कहीं ऑफिशियल मीटिंग हो या कुछ भी हो, तो फिर एक तरह से डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। मैं एडमिट करता हूँ उसमें गलती हमारी भी है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेमेस्टर से जो भी हो सब कुछ अच्छे से हो। बाकी अभी जो अटेंडेंस है अराउंड, अगर 60% कट ऑफ जाता है तब तो मेकओवर हो जाएगा, लेकिन आई थिंक 65-60 तो नहीं जाएगा, 75 कट ऑफ है और स्ट्रिक्टली उतना जाता है, तो जैसा भी होगा कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने बोला तुम प्रेशर मत लो, तुम टेंशन मत लो, उसको भी मैं टेंशन फ्री रहता हूँ, मैं खुद भी टेंशन फ्री रहता हूँ, कोई बात नहीं है, छोटी सी लाइफ है, अपना एंजॉय करना भी है और साथ साथ सारी चीज़ों को ले करके चलना है, देखभाल करके चलना है। बस आज सबसे ज़्यादा दुख मेरे को जेरी के लिए लग रहा है, बहुत ज़्यादा दुख, और मतलब सुबह से 2-3 बार तो मेरे आँख में आंसू आ चुके हैं, मैं ऑन कैमरा शो नहीं करना चाहता हूँ जो भी है, लेकिन इतना ज़्यादा अंदर से फट रहा है ना यार, इतने प्यार से जब भी मैं बोलूँगा ना जेरी आ जा बैठ जा, तो ऊपर मेरे बेड के ऊपर आ जाएगा, मेरी छाती के ऊपर आ जाएगा, और अभी तक इनफैक्ट वो बड़ा भी हो गया था थोड़ा सा, तो अंदर से अब दुख हो रहा है थोड़ा सा मेरे को। डॉक्टर्स को भी दिखाया बहुत सारी जगह, खैर सारी चीज़ें क्या हुई थी वो प्रिंस बताएगा आप लोगों को, लेकिन बस अब कुछ मेरे को मन नहीं कर रहा है आज शूट वूट करने का, आई थिंक अभी आज कोई दूसरा ब्लॉग ना आए, अब थोड़ा सा आज रोऊंगा कर रहा हूँ, आज सोऊंगा मैं मस्त अपना मस्त, और अपना बस अभी मेरे को लग रहा ना जेरी मेरे पास ही है ऐसा देख रहा है, फिर मेरे को मन कर रहा है एक और ले आता हूँ वाइट पमेलियन करके, फिर मैं सोच रहा हूँ डर ही लग रहा है, अब बताओ यार आप लोग क्या करूँ मैं।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल। मनीषा भी अब रो रही है शायद। मनीषा प्याज काट रही है, रो रही है क्या? कुछ नहीं होगा, चलो मस्त रहो। तो उठो, वाईफाई पे बैठ गई हो बाबू, उठ जाओ। चलो एक और देखेंगे, बाद में लाएंगे, अभी नहीं। अब जब घर पे रहना होगा ना स्टे पे, तब ले आएंगे, अभी अभी कुछ नहीं लाना। मात्र तबीयत खराब होगा। ओए उठ तो, उठो पहले।